सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। तो गाइज, प्रीव्यू में आपने जो बर्थडे स्टेटस देखा, अगर आप इस तरीके का स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो ना, इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपको कोई भी प्रीसेट या XML नहीं मिलेगा। वीडियो को आपको स्टार्टिंग से एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप इजीली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और बहुत ही इजी मेथड से आप एक क्लिक में इजीली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देख लेना। और हाँ गाइज, एक इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो में अपलोड करने के बाद मेरे चैनल पे 1K अपलोड्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1000 वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो इस वीडियो में थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो, जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दिया करो, और लाइक करना, कमेंट्स करना, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। अगर आपको वीडियो ख़राब लगा या कुछ पॉइंट आपको ख़राब लगा तो कमेंट करके बताना कि मुझे ये पार्ट ख़राब लगा, मुझे कुछ इस तरीके का चाहिए, इस तरीके का चाहिए, आप कमेंट करके बताना है, ठीक है। और ये वीडियो थोड़ा सा स्पेशल वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के बाद 1K अपलोड्स कंप्लीट हो जाएगा गाइज, ठीक है। सो रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इमेज वगैरह HD क्वालिटी में टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और स्टेटस भी आपको कहाँ मिलेगा, HD क्वालिटी में टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और साथ में सेकंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और ये जो हम वीडियो क्रिएट करेंगे, ये कैपकट एप्लीकेशन में क्रिएट करेंगे, और अगर आपके पास कैपकट नहीं है तो आपको तो पता है कहाँ से मिलेगा, है कि नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, कैपकट को यूज़ करने के लिए आपको एक VPN का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि आप प्ले स्टोर पर आपको इजीली मिल जाएगा। अब कोई भी VPN कनेक्ट कर लेना, उसके बाद आपको यहाँ पे कैपकट को ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे स्टॉक वीडियो पे जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ब्लैक स्क्रीन आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐड पे क्लिक कर देना, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे फॉर्मेट का ऑप्शन है, फॉर्मेट पे क्लिक करना है, 9:16 रेशियो सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद बैक पे क्लिक करना है, और ये जो इमेज इस पर टैप करके इसको फुल स्क्रीन कर लेना है, ठीक है, हो गया। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड ऑडियो पे क्लिक करना है, साउंड्स पे जाना है, और डिस्क्रिप्शन पे आपको सॉन्ग का लिंक मिल जाएगा, आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से थोड़ा सा लोडिंग होगा, आपको यहाँ पे जो साउंड है वो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो आपको फर्स्ट बीट है, जहाँ पे लिरिक्स स्टार्ट रहे, उस पॉइंट पे आ जाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सॉन्ग सुन लेना है, सॉन्ग के हिसाब से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लगभग फाइव सेकंड में आपको फर्स्ट बीट सुनने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इमेज पे टैप करना है, और ये जो आप फर्स्ट बीट है उस पॉइंट तक इसको लेके चले जाना है, ठीक है, ठीक है। आपको सुन लेना है अच्छे से, इतना तक होगा, 5 सेकंड तक आपको हेडफोन में अच्छे से सुन लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जो व्हाइट प्लस इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे इमेज को आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो भी इमेज आप ऐड करना चाहते हो, 4 इमेज को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देना, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसका ड्यूरेशन आपको कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं, पूरा परफेक्ट ड्यूरेशन ऐड है, ठीक है। बस आपको इमेज को सिलेक्ट करना है, और आपको यहाँ पे 2 फिंगर से फिल स्क्रीन कर लेना है, चारों इमेज को आपको यहाँ पे 2 फिंगर से फिल स्क्रीन कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे फिल स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, नीचे आपको यहाँ पे टेक्स्ट देखने को मिलेगा, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पे लिखना है हैप्पी बर्थडे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉन्ट पे क्लिक करना है, फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा जो फॉन्ट है वो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। जो भी आप फॉन्ट ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने जो फॉन्ट ऐड किया था वो मैं आपको यहाँ पे ऐड करके दिखा रहता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा नेट का इशू है, इसलिए अच्छे से आ नहीं रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मैंने जो फॉन्ट ऐड किया है ना गाइस, तो इसका नाम है, इस तरीके से आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, नेट के वजह से इस तरीके से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। ये जो मॉन्स्टर है, ये फॉन्ट मैंने ऐड किया था, ठीक है। आपको भी इस तरीके से कोई भी फॉन्ट आपको जो भी पसंद है आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे एनिमेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट कर लेना है, ठीक है। इन पे क्लिक करना है, इन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, इफेक्ट लोड हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको इफेक्ट कंप्लीट लोड हो देने दें, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, शाइनिंग इंट्रो, ठीक है। मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है, इसलिए जल्दी से नहीं आ रहा है, ठीक है।
ये जो शाइनिंग इंट्रो है आपको यहाँ पे शाइनिंग इंट्रो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इसका ड्यूरेशन आपको सेम टू सेम रहने देना है, जितना है उतना रहने देना है। उसके बाद आउट पे क्लिक करना है। आउट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जूम आउट का एक इफेक्ट आएगा, उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। नेट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जूम आउट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसका जो ड्यूरेशन है आपको 0.5 सेकंड रखना है, ठीक है। उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे कॉपी का ऑप्शन दिखाई देगा, कॉपी पे क्लिक कर देना है और इसको ड्रैग करके इस पॉइंट पे लेके आ देना है, ठीक है। और जो ब्लैक स्क्रीन जहाँ पे एंड हो रहा है उस पॉइंट तक इसको रखना है, ठीक है। उसके बाद डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हो लिख लेना है। उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना, तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, ठीक है। नीचे आपको यहाँ पे इफेक्ट्स देखने को मिलेगा, इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद आपको लोडिंग होने के बाद आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे आना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहता हूँ कहाँ पे आपको लव सेक्शन पे आना है, ठीक है। थोड़ा सा आगे आना है, कहाँ पे था देख लेता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पे आना है, आपको नेचर पे आना है। नेचर पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, लाइटनिंग। आप देख सकते हो लाइटनिंग को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, राइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और इस इफेक्ट को आपको ब्लैक स्क्रीन जहाँ पे एंड हो रहा है उस पॉइंट तक लेके आ देना है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, जो फर्स्ट इमेज इस पर क्लिक करना है, एनिमेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्वाइप करना है, इस तरीके से आपको यहाँ पे टर्बुलेंस जो इफेक्ट है ये इफेक्ट आपको यहाँ पे ऐड करना है और इसका ड्यूरेशन आपको फुल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेकेंड इमेज पे क्लिक करना है, एनिमेशन पे क्लिक करना है, कॉम्बो पे क्लिक करना है। कॉम्बो पे क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पे एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, डायनामिक शेक टू, आप देख सकते हो। इस इफेक्ट को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो थर्ड इमेज है इस पर क्लिक करना है। थर्ड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कॉम्बो पे आपको पूरा एंडिंग पॉइंट पे आपको यहाँ पे एक इफेक्ट मिलेगा जिसका नाम है पेंडुलम वन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको ढूंढ के दिखाते हुए देख सकते हो पेंडुलम वन, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और जो फोर्थ फोटो है, फोर्थ फोटो पे आपको पेंडुलम टू सिलेक्ट करना है, राइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी आपको भी क्या करना है, इस पॉइंट पे आ जाना है, जहाँ से इमेज स्टार्ट हुआ उस पॉइंट पे आ जाना है। इफेक्ट पे क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट में जाना है। अभी आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग सेक्शन पे आना है। ट्रेंडिंग सेक्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे जो एच डी आर इफेक्ट है इस पर क्लिक करना है, राइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एच डी आर इफेक्ट आपको पूरा एंडिंग पॉइंट तक लेके आ जाना है, ताकि आपका वीडियो में एच डी आर इफेक्ट ऐड हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा एच डी क्वालिटी में लग रहा है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो स्टेटस है वो कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये स्टेटस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ये एक स्पेशल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो को आपको देखने के बाद, ठीक है, 1K अपलोड्स मेरे चैनल पे कंप्लीट हो जाएगा। सो प्लीज़ कमेंट करना कैसा लगा। इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर आपको एरो पे क्लिक करना है, वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।